पे सीन्स ये हैं कि अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे होंगे? आप लोग ठीक होंगे? हम फिट फिट मज़े में। अगर आप ठीक नहीं हैं तो ठीक हो जाएंगे क्योंकि हमारा व्लॉग आ गया है। एंड आई वांट टू से समथिंग फ्रेंड, ये मेहंदी हमीद पे लगाते नहीं, अगेन कह रही हूँ, शायद आपने सुन लिया हो या शायद आपने ना सुना हो, पर आम दिनों में मैं लगा लेती हूँ। ईद पे पता नहीं फ्रेंड्स क्या है मेरे माइंड में, ईद पे मेरे जहन में ये बैठ जाता है कि जब मेहंदी उतरेगी मुझे बहुत ही गंदी लगती है, लेकिन वैसे मैंने लगा ली है एंड ये अब उतर रही है तो ऐसे लग रहे हैं मार्बल प्रिंट है। हालांकि मुझे दो दिन हुए लगाए हुए एंड लुकिंग सो प्रिटी, लुक एट दिस। और फ्रेंड ये वाली इतनी अच्छी लगी थी मैंने क्योंकि उल्टे हाथ से लगाई थी एंड यहाँ पे मैं नहीं लगा पाई थी क्योंकि उल्टे हाथ से सीधी साइड पे लगाना इज टू मच हार्ड। सो मेहंदी लग गई, बहरहाल उतर भी गई है, ऑलमोस्ट उतर जाएगी कुछ दिन में एंड मुझे पता नहीं कि बुरी नहीं लग रही ईद पर जो बुरी लग रही है ना। हालांकि वैसे फ्रेंड ईद पे हमारे ऐसे लुक्स भी नहीं थे, आपने देखा होगा, आपको कैसे लग रहा था कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दीज व्लॉग्स आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट, आई डोंट नो व्हाई, बट ईद पे फर्स्ट डे आपने देखा था मेरा शलवार कमीज था, उसके साथ चल सकती थी मेहंदी। देन सेकेंड डे थी शलवार पेंट शर्ट, उसके साथ बस ठीक इतना ही लगती। वैसे फ्रेंड लगा मेहंदी जो है ना ईद की, ईद का थिंग है बट नहीं लगाई मैंने। पेंट शर्ट के साथ भी ईद पे तो अच्छी लगती है। मैं कुर्सी ले लेती हूँ क्योंकि मैं जब भी यहाँ पे ब्लॉग करती हूँ ना, और मैं यहाँ पे ब्लॉग काफ़ी दिन के बाद कर रही हूँ, तो मैं इजी हो के बैठ के आपसे फुल ऑन बातें करती हूँ। और यहाँ पे हमारा एक मिरर था, आपने देखा होगा पहले भी ये टूटा था एंड ये अगेन टूट गया है, तो इसको हमें यहाँ पर रखना चाहिए ध्यान से क्योंकि टूटने का मसला नहीं है, टूटता तो टूट जाए, लेकिन शीशे की चीज़ मैंने सुना है, ये पता नहीं सच बात है कि नहीं, बिलीव करना चाहिए कि नहीं, शीशे की चीज़ टूटे तो क्या बोलते हैं वो, इंडिया के लोग भी बोलते हैं, पाकिस्तानी भी बोलने लग पड़े हैं, तो अब शगुन पता नहीं क्या सीन है इसका। एनीवे टूटने का मसला नहीं है, लेकिन जो उसकी किरतियाँ इधर उधर फैल रही हैं ना, और शीशा आपको पता फैलता बहुत दूर तक है, और फिर जो पाँव के अंदर हाथ के अंदर कहीं पर भी लग जाता है, सो दैट्स अ मेन इशू। एंड खाना हमने खा लिया था, बहुत इंजॉय किया एंड बहुत अच्छे से लाइफ गुजरी है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है एंड अल्लाह हैज़ गिवन अस सो मच। हम अगेन कह रही हूँ, नहीं अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते जितना अल्लाह ताला ने हमें दिया, एंड हम काउंट भी नहीं कर सकते कि कितनी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें दी, कितनी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं। एंड ये जी अभी सो रहा है, मामा तेरा कुछ काम कर रही है फ़ोन पे अपना, एंड आई एम सो हैप्पी टुडे, आई डोंट नो व्हाई, शायद फ्रेंड्स हम कुछ डेज आपका मूड अच्छा होता है या फ्रेंड्स कुछ चीज़ें ऐसी अच्छी हो जाती हैं या इन्वायरमेंट या आई डोंट नो, आप कमेंट्स में बताएं आपकी लाइफ कैसी गुजर रही है, आप खुश हैं आजकल या आप दुखी हुए हैं या आपकी मिक्स फीलिंग है, कुछ भी है, कुछ भी फ्रेंड्स आप बताना चाहें, कुछ शेयर करना चाहें, कुछ आपके दिल में हो वो कमेंट्स में ज़रूर लिख दें क्योंकि वी आर योर फैमिली एंड यू गाइज आर आवर फैमिली, तो इसलिए हम आपके साथ हर चीज़ शेयर करते हैं, इवन दुख फ्रेंड्स हम कोशिश, सच्ची बात बताई दूँ मैं आज आपको, दुख हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ शेयर ना ही करें क्योंकि हर कोई दुखी है, थोड़ा बेशक कोई ज़्यादा है, कुछ बहुत ज़्यादा दुखी है लेकिन शो नहीं करते, तो हम भी शो ना करने वालों में से हैं ताकि आप भी दुखी ना हो जाएं। और लोग दुखी चीज़ें वैसे ज़्यादा उन पे व्यूज़ आते हैं, हाय हमारे साथ ये हो गया, तो बट हम ऐसा माइंडसेट नहीं रखते, हम कहते हैं हम खुश रहें, आपके साथ भी खुशी वाली चीज़ शेयर करें। और अगर मुझे मेरा ये माइंडसेट है, मेरी ये थॉट है कि अगर आप बुरी चीज़ें शेयर करें या बुरी स्टोरीज भी लोग बनाते हैं बैठ के, हालांकि उनके साथ कुछ इतना बुरा शेयर ना भी हुआ हो, या ये मेरा माइंडसेट है, माइंडसेट थॉट्स जो है ना मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, तो आप और ज़्यादा बुरा फील करते हैं अगर आप दुखी ना भी हुए हुए हों, तो पता नहीं ये मेरी करेक्ट थॉट है कि नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं क्योंकि ये भी हमारा तकिया कलाम है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं ये वो एंड ऑल। थोड़े से बर्तन है धोने वाले, अभी नहीं मैं धोऊँगी, सुबह धोऊँगी क्योंकि सुबह वैसे फ्रेंड्स हमारे घर डिनर नहीं बनने वाला, क्योंकि डिनर के लिए हमारे पास खाना अवेलेबल है,
ब्रेकफास्ट में मैं सोच रही हूँ आटा गूंथ लूँ। हाँ फ्रेंड्स, पराठा खाए हुए बहुत दिन गुजर गए हैं। आटा हम डो बना लेंगे आटे की, एंड उसी टाइम धो लेंगे बर्तन, क्योंकि इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आटे वाला बर्तन जो है ना, आई फील साथ ही आपको धो लेना चाहिए, वरना वो बाद में एक दो दिन बाद धोएं आप। नहीं ऐसे फ्रेंड्स, आटा भी तो पड़ा ही रहना है ना बाउल में, परात को भी धोऊंगी, बाउल को भी धोऊंगी, सो दिस इज़ अ लंबा काम, तो परात में ही पड़ा रहने देंगे। और मामा कहती है स्टील की चीज़ में ना डो कोई भी आपने बनाई हो वो ख़राब नहीं होती इतनी जल्दी, क्योंकि हमारा आटा जो मैं गूंथती हूँ 2 टाइम्स का होता है, लेकिन डिनर में अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन फिर भी फ्रेंड हम 2 टाइम्स का गूंथ लेंगे, ताकि हमको हमको कल के लिए ब्रेकफास्ट के लिए गूंथना ना पड़ेगा। तो पराठे खाए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, सुबह हम खाएंगे पराठा, एंड योगर्ट नहीं आ पाएगा क्योंकि आज हमें रात को ही ले आना चाहिए था, लेकिन हम भूल गए हैं। और ये भी कह सकते हैं क्योंकि हमारी फेवरेट वाली शॉप जो है दही वाली, वो आई नहीं रास्ते में, वो ज़रा दूसरे रूट से आती है, तो इसलिए भी हम लाना भूल गए, तो सुबह आ नहीं पाएगा इसलिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है दिन में, तो मैं मामा को भेज जानी चाहूँगी। वैसे तो मुझे दही इतना ब्रेकफास्ट में पसंद नहीं है, मुझे वैसे दही सिंपल खाना पसंद ही नहीं है, अंदर खजूरें हो, बादाम हो, बनाना हो, ये है जी मेरी सेहत का राज, मेरी ग्लो का राज, राज राज राज। तो सिंपल योगर्ट मुझे पसंद नहीं है, अच्छी वाली खजूरें हमें किस्मत से मिल जाती हैं, और जब अच्छी वाली मिल जाती हैं तब हम थोड़ी बाई की होती हैं, जैसे कि अच्छी वाली ना निकली, और जब हम अच्छी वाली ले लेते हैं, और जब हम अगेन अच्छी वाली बाई करने जाते हैं वही उसी उसी प्लेस से, तब हमें वो वाली खजूरें वहाँ पे अवेल नहीं मिलती, तो ये हमारी किस्मत का ज़रा आगे पीछे हो जाता सीन। और बनानास फ्रेंड्स किसी मौसम में अच्छे होते हैं, किसी मौसम में बस ठीक होते हैं, जब बनानास हमारे घर में अवेलेबल होते हैं तब योगर्ट एंड खजूर अवेलेबल नहीं होती, तो ये मेरा जो है ना योगर्ट वाले मील के साथ चलता रहता है। आलमंड्स भी अवेलेबल नहीं है फिलहाल हमारे घर में, अगर मैं आलमंड्स खाऊंगी तो, ये गर्मियों में गर्म चीज़ें हैं इसलिए हम गर्मियों में तुहमा लंगे एंड ऑल दीज थिंग्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। साबुदाना भी स्टार्टेड यूजिंग इन दिस समर्स, एंड साबुदाना कह रही हूँ, मुझे अभी तुहमा लंगे भी अगेन भी भिगोनी है, क्योंकि थोड़ी सी अवेलेबल है भीगी भी, और मामा को मुझे कहना है, लेट मी चेक द डे, सुबह थर्सडे फ्रेंड्स, आई लव थर्सडेज, और पता नहीं मुझे आपको बताना चाहिए था कि नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, ये दुपट्टा जो है ना इससे मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रोल हो गए हैं, क्योंकि मैंने छोटे कर दिए हैं तो वो बार बार निकलते हैं, लेकिन ये दुपट्टा इज़ रियली वेरी गुड, ना पसीना आ रहा है, या शायद आज वेदर थोड़ा बेटर है क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है लाहौर में, या शायद हर जगह ही पड़ रही है, मुल्तान वालों का क्या हाल होगा, और कहाँ भी मैंने थोड़े दिन पहले देखा गर्मी सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में, नाम भूल गई जगह का, यहाँ पे आप देख लें गूगल करके, अगेन स्क्रीन शॉट आपके लिए ना अटैच करती हूँ। एंड आई फील लाइक एंडिंग दिस व्लॉग हियर, क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें कर ली हैं एंड बहुत इंटरेस्टिंग बातें की हैं इन मैंने 8 7 8 मिनट्स में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बातें करके, तो मैं सोची हूँ थोड़ी देर में अगेन व्लॉग स्टार्ट करें एंड आपसे कुछ बातें करें, कुछ दिल की बातें आप हमें कमेंट्स में बताएं आपके दिल में क्या बातें हैं, और आप किसी को फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन करने वाली, व्लॉग एंड करने से पहले आप अपनी दिल की बातें लोगों से शेयर करना पसंद करते हैं, अगर कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई फील लाइक मैं ऐसी हूँ कि जिनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, जिन लोगों के साथ उनके साथ मैं इवन कोई इतनी छोटी सी भी बात है ना, और दिल की बात तो बड़ी आगे की चीज़ होती है ना, छोटी सी बात है इवन हर कुछ भी बात मैं शेयर करती हूँ, एंड जिनके साथ आप मैं नहीं नहीं मिलते हैं या कुछ, मैं उनके साथ बिल्कुल अगर कंफर्टेबल, मैं जिनके साथ कंफर्टेबल नहीं होती ना उनसे थोड़ी भी बात बहुत मुश्किल करती हूँ। सो दीज आर माई फीलिंग अबाउट टॉकिंग एंड नॉट टॉकिंग टू पीपल, एंड दिस वॉज योर ब्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें, दिस वॉज नॉट अ ब्लॉग गपशप, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें, फ्रेंड फैमिली के साथ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, बाय बाय।